मधुमक्खी पालन कई बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का साधन बन गया है। मनिहारी प्रखंड के नारायणपुर पंचायत के बंगरी, शुआ और चिकनी में मधुमक्खी पालन में प्रशिक्षण प्राप्त बेरोजगार युवा कई सालों से इसके जरिए रोजगार से जुड़े हुए हैं। जहां मधुमक्खी पालन से उन्हें रोजगार मिल रहा है, तो वहीं यहां की मधु की खरीद कई बड़ी कंपनियां कर रही हैं। मधु तैयार होने के बाद जाता है, अब वहां का जो है ना कंपनी से जो रेट बन के आता है उसी हिसाब से यहां से उठता है मधु। युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की इस पहल की जमकर सराहना हो रही है। वहीं समस्तीपुर के पूसा से ट्रेनिंग कर चुके इस युवक का कहना है कि दिसंबर महीने में जहां सरसों की खेती की जाती है, वहीं कैंप डालकर मधुमक्खियों को पेटियों में रखते हैं। इस जगह पर लगभग 300 पेटी में मधुमक्खी लगाई जाती है और हर पेटी से लगभग आधे से एक केजी तक शुद्ध मधु तैयार होता है और इसे कई नामी गिरामी कंपनी खरीदती है। पालन के रोजगार में जो है ना मेहनत लगता है, ऊपर से गाड़ी भाड़ा लगता है। दूसरे नंबर यहाँ जहाँ रहते हैं हम लोग मनिहारी में, माघी ही देख कर आते हैं। जो माघी का पौधा जब तैयार हो जाता है उसके बाद हम लोग देख के तब आते हैं और जो लगाते हैं मौसम के ऊपर है, जैसा मौसम रहेगा उस हिसाब से माल निकलेगा। यहाँ जो 3 फ्रेम मक्खी हम लेके आए हैं उसको बनाने में हमको 6 फ्रेम तक हो गया, लेकिन माल उतना नहीं निकल पाया जितना चाहिए था। 3 फ्रेम में वही मान लीजिए आधा किलो माल निकलता है एक बक्सा में से, बस बक्सा लगभग 250 बक्सा है। दिसंबर में हम लोग यहाँ आते हैं, उसके बाद जनवरी लास्ट करते करते हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। माल तनी मनी निकला मैं लेके चल दूसरे जगह जाते हैं, वहाँ भी माघिया में जाएंगे। हम लोग समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, ट्रेनिंग हम लोग को पूसा में मिला है और जैसे उसके बाद हम लोग ये सब धंधा कर रहे हैं। साफ है युवाओं को इससे रोजगार मिल रहा है, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत भी हो रही है। ताजिम हुसैन, टाइम्स न्यूज, मनिहारी।